हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पानी पूरी का मसाला। मार्केट वाली पानी पूरी को हम फ्राई करेंगे और मसाला सारा घर पे बनाएंगे। पानी पूरी का पानी बनाएंगे और जो हम उसमें फिल करते हैं मटर और आलू, उसको भी हम घर पे ही तैयार करेंगे। तो इसलिए मैंने ये ली है मटर, इसको मैंने 6 घंटे पानी में भिगोने के लिए रखा था। ये 6 घंटे पानी में भीग चुकी है मटर, अब हम इसको उबाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक। मटर को मैंने डाल के कुकर में, इसमें 1 इंच पानी रखा है। ये हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नमक। और ये मैंने 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज के, इनको अच्छे से 4-5 बार धो लिया है। ये आलू भी हम इसी के साथ में उबाल लेंगे। इनमें 5 सीटी लगाने तक इनको उबालेंगे। 5 सीटी आने के बाद फिर इनका प्रेशर अपने आप से निकल जाएगा गैस का, उसके बाद हम कुकर को खोलेंगे। जब तक मटर और आलू बॉयल हो रहे हैं, तब तक हम बना लेते हैं पानी। पानी बनाने के लिए मैंने मिक्सी का कंटर लिया है। इसमें हमने साफ़ करके धुल के ये डाल दी इसमें धनिया। ये डाल रही हूँ मैं 4 मिर्ची और ये 1 इंच अदरक है, इसको हम कट कर लेंगे। और नमक भी डाल देंगे साथ में ही। तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप इसमें मिर्ची बढ़ा सकते हैं। अब इन सबको हम पीस लेंगे। अब हमने मिक्सी से हम चटनी और मिर्ची और अदरक इन सबको पीस लिया है, अब हम उनको छान लेंगे। मैंने एक बर्तन लिया है, इस पर हम छलनी रख लेंगे और इस पर एक कपड़ा डाल देंगे। अब हम इसको छान लेंगे। इसमें हमने नमक की मात्रा थोड़ी कम रखी है क्योंकि अभी हम जलजीरा मिलाएंगे और काला नमक मिलाएंगे इसमें, इसलिए हमने इसमें सफ़ेद नमक की मात्रा को कम रखा है। मैंने पानी को छान लिया है, अब इस पानी में हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप उसे घर पे आधा नींबू का रस डाल सकते हैं निचोड़कर, उसके बीज निकाल दें और फिर नींबू के रस को इसमें मिला दें पानी में। अब इसमें हम डालेंगे बूंदी। इसको भी मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार काला नमक, क्योंकि हम सफ़ेद नमक डाल चुके हैं इसमें, इसलिए 1 चम्मच डालेंगे काला नमक। अब हम डालेंगे इसमें 2 पिंच हींग। अगर आप इसको तुरंत यूज करना चाहें, मैं इसको फ्रिज में रखूंगी 3 से 3.5 घंटे के लिए। अगर आप इसको तुरंत यूज करना चाहें तो आप इसमें 4-5 स्लाइस डाल दें बर्फ़ की और उसके बाद जलजीरा पाउडर मिला दें और इसको तुरंत भी यूज़ कर सकते हैं। हमें भी टाइम लग रहा है तो मैं इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। अब हम इस पानी का यूज़ करेंगे, तो इस यूज़ करने से पहले अब ये ठंडा हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे जलजीरा पाउडर और भुना हुआ जीरे का पाउडर, इसको मैंने मिक्स कर लिया है इसलिए मैं एक ही साथ में डाल रही हूँ। अब ये जलजीरा और जीरा पाउडर मिला देंगे, अब हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए गोलगप्पा फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने गोलगप्पे में फिल करने के लिए आलू लिए हैं बॉयल करके, 4 आलू, इनको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया था। इनको 1 से 2 घंटा हो चुका है ठंडा हुए। और ये ली है मटर, ये अच्छे से बॉयल हो गई, इसको भी खूब ठंडा कर लिया है। अब हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे हल्दी और नमक डाल के, बाकी कुछ भी नहीं डालना इसमें। अब तेल गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। ये डाल रही हूँ मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी। अब डाल देंगे इसमें आलू।
हल्का नमक डालेंगे इसमें। अब इसको मिला लेंगे। बस हमको इतना ही फ्राई करना है आलू को। अब हम निकाल लेंगे आलू को कढ़ाई से। अब इसी कढ़ाई में हम मटर ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसी कढ़ाई में मटर को फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। अब ये बॉईल की हुई मटर डाल देंगे। मटर में हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने जब मटर को बॉईल किया था तो उसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया था, इसलिए मटर में नमक नहीं डालेंगे। और जो हमने गोलगप्पे का पानी तैयार किया है उसमें भी नमक डाल रखा है, इसलिए हम मटर में नमक नहीं डालेंगे। इसको भी हल्का फ्राई हो गया है, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। गोलगप्पा फ्राई कर लेंगे। गोलगप्पा के लिए मैंने ये मार्केट से मंगाया हुआ पैकेट है गोलगप्पे का, इसे मैं आधा यूज कर चुकी हूँ। आप किसी भी ब्रांड का गोलगप्पा पैकेट ले सकते हैं। ये हैं गोलगप्पे, इनको हम फ्राई करेंगे। अब हम गोलगप्पे फ्राई कर लेते हैं। तो हमने इसके लिए कढ़ाही में डाल दिया है रिफाइंड। अब हम इसमें दो दो तीन तीन करके डालेंगे, चार चार ऐसे, जितना आपको फ्राई करने में आसानी हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें एक बार में चार गोलगप्पे डाले हैं कढ़ाई में। इनको उलट पलट के सेक लेंगे। इनको सेकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मार्केट बेस्ड होते हैं। बनाने वाले जो होते हैं गोलगप्पे, जो हम आटे के बनाते हैं, सूजी के बनाते हैं, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनमें मेज़रमेंट के हिसाब से हम अगर बनाएंगे तो परफेक्ट बनते हैं। ये तो मार्केट बेस्ड है, इनको बस फ्राई करना होता है। ये फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम और भी गोलगप्पे फ्राई कर लेंगे। मैंने ही गोलगप्पे फ्राई कर लिए हैं। चलिए अब सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये मैंने गोलगप्पे फ्राई कर लिए हैं। ये मटर है, ये आलू है, और ये दही है, ये सौंठ है। चलिए बनाते हैं। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप पानी में मिर्ची बढ़ा सकते हैं। ये पानी है एकदम मस्त गोलगप्पे का। सबसे पहले हम बनाएंगे नमकीन। थोड़ा आलू फिल करेंगे इसमें, थोड़ी मटर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे एकदम अच्छा सा पानी, खूब भर देंगे इसको पानी से। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने गोलगप्पे घर पे नहीं बनाए हैं, पानी बनाया है और सारा मसाला बनाया है। इसी तरीके से हम सौंठ वाले भी तैयार कर लेंगे। सौंठ में हम डालेंगे दही, सौंठ और काला नमक। आलू मटर फिल करके फिर हम इसमें डालेंगे दही और सौंठ, ऊपर से डालेंगे काला नमक, और हमारे तैयार हो जाएंगे सौंठ के गोलगप्पे। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को ट्राई करें और वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब।